नंबर 1। गाइज, अक्सर हमें ये लगता है कि सुपरस्टार्स की जिंदगी बहुत आसान और फैसिनेटिंग होती है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे चहेते सुपरस्टार्स को सिर्फ फैंस का प्यार ही नहीं मिलता, बल्कि ट्रोलर्स की नफरत भी झेलनी पड़ती है। और इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के साथ। दरअसल रश्मिका ने एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि करियर के शुरुआत से ही उन्हें लगातार हेट मिल रहा है, जिसे उन्होंने बहुत समय तक इग्नोर किया, लेकिन अब समय है इस पर बात की जाए। रश्मिका ने कहा कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने अपने लिए ये जिंदगी खुद चुनी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को उनके बारे में गलत कहने और लिखने का हक मिल गया है। और ये सिर्फ रश्मिका के साथ ही नहीं हो रहा है, इससे पहले एक्ट्रेस समंथा भी इन ट्रोलर्स का शिकार हो चुकी है। नंबर 2। गाइज, अब तो ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री मानो हिट मशीन बन गई है। जी हाँ गाइज, साउथ की फिल्में लगातार बैक टू बैक हिट हो रही हैं, जिसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है, कन्नड़ फिल्म कांतारा का, जिसकी आंधी अब बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की ये शानदार फिल्म पुरानी संस्कृति को बचाने का एक प्रयास है, जिसमें वो अपने जंगलों और देवताओं की रक्षा के लिए गवर्नमेंट से लड़ जाते हैं। यही नहीं, इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांतारा पहले सिर्फ कन्नड़ भाषा में ही रिलीज हुई थी, लेकिन दर्शकों की भारी मांग के चलते मेकर्स को इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में भी रिलीज करना पड़ा। और अब हिंदी हो या तेलुगु, फिल्म की कमाई हर रोज दर्शकों को चौंका रही है। वैसे गाइज, अगर आपने कांतारा मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। गाइज, क्या आपको पता है कि हम भगवान की पूजा अर्चना दोनों हाथ जोड़कर ही क्यों करते हैं, किसी और मुद्रा में क्यों नहीं करते? तो चलिए आज इसके पीछे की योगिक साइंस जानते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां हैं, जिसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग पिंगला कहलाता है तो दूसरा भाग ईडा, और ये उसी तरह है जैसे भगवान शिव की अर्ध नारीश्वर रूप, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का वास होता है, दोनों की ही अपनी अपनी एनर्जी होती है। इसी तरह से जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये फ्लो साइकिल पूरा हो जाता है और हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम भगवान की पूरी मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं।